हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-2023 कक्षा सातवीं क्लास का विज्ञान यानी साइंस का। सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें तो ये है सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस। सो सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, केवल पूरी तरह से हरी पत्तियाँ ही पौधों के लिए भोजन का संश्लेषण कर सकती हैं। Only fully green leaves can synthesize food for plants. So इसका आंसर है false. आगे second, गाय द्वारा सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता, सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय cow. So इसका आंसर है false. Third, अमीबा में मृत पोषी पोषण होता है, अमीबा हैज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो इसका आंसर है false. Fourth, पित्त अमाशय से संचित होता है, द बाइल इज स्टोर्ड इन स्टमक. सो इसका आंसर है false. आगे fifth, मैरी गो राउंड झूला आवर्त गति का एक उदाहरण है, मैरी गो राउंड स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. सो इसका आंसर है ट्रू. आगे है सिक्स्थ, भोजन के डैश घटक के पाचन के बाद अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड्स आर फॉर्मड आफ्टर डाइजेशन ऑफ डैश कंपोनेंट ऑफ फूड. सो इसका आंसर है प्रोटीन. आगे क्या है सेवन्थ, भोजन के डैश घटकों को घटकों का डैश पदार्थ में टूटना पाचन होता है, डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इन टू सिंपलर सब्सटांस. आगे क्या है एट्थ, किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी डैश कहलाती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड डैश. सो इसका आंसर है स्पीड. आगे है नाइन्थ, दूरी के मापन की SI इकाई है, यानी SI यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेज. सो इसका आंसर है ए मीटर. इसकी बराबर हम ये भी कर सकते हैं, इफ सोनू ट्रैवल 12 किलोमीटर इन अ डे देन हाउ मेनी मीटर्स डज ही ट्रैवल्ड ऑन दैट डे. सो 12,000 मीटर आ जाएगा इसका आंसर. टेंथ क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आर को मीटर में पर सेकंड में परिवर्तित कीजिए, कन्वर्ट 60 किलोमीटर पर आर इनटू मीटर पर सेकंड. सो इसका आंसर क्या आएगा 16.667 मीटर पर सेकंड. आगे है इलेवंथ, पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो उसके भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है, यानी नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड. सो इसका आंसर है लीव्स, या इसकी जगह पर हम कर सकते हैं इस कसकत्ता प्लांट एंड ऑटोथ्रोप गिव रीजन. सो इसका आंसर है नो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड. आगे क्या है ट्वेल्थ, दिन के समय पौधे द्वारा कौन सी गैस वातावरण से ग्रहण की जाती है, अथवा यानी इसकी जगह पर हम एक और कर सकते हैं, क्या सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, कारण दीजिए. सो विच गैस इज टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम द एटमोसफेयर ड्यूरिंग डे टाइम. इसका क्या देगा कार्बन डाइऑक्साइड. इसकी जगह पर जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, डू ऑल प्लांट्स आर ऑटोथ्रॉपिक इन नेचर गिव रीजन. सो इसका आंसर है नो, बिकॉज ऑल प्लांट्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन टाइम. सो आगे क्या है सेक्शन बी, क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, वे इसे कैसे प्राप्त करते हैं, डू प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, हाउ डू दे गेट इट, और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट 0.04%, व्हाट हैपन टू प्लांट एंड एनिमल्स इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द एटमोसफेयर. दिए गए चित्र में पौधे के प्रकार की पहचान कीजिए, ये अपना पोषण कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट शोन इन द गिवन पिक्चर, हाउ डू दे गेट देयर न्यूट्रिशन. आगे है दिए गए चित्र में हमारी जीव के विभिन्न स्वाद क्षेत्रों को LMN और O द्वारा दर्शाया गया है, इन स्वाद क्षेत्रों के नाम बताइए, डिफरेंट टेस्ट रीजन्स ऑफ अ टंग आर रिप्रेजेंटेड बाई LMN एंड O इन द गिवन डायग्राम, नेम दीज टेस्ट रीजन्स. सो आगे उबले चावल को चबाए जाने के बाद आयोडीन परीक्षण में नीला रंग क्यों नहीं देते, अथवा मानव में उपस्थित किन्हीं दो प्रकार के दांतों के नाम तथा उनके कार्य लिखे, वाई बॉयल्ड च्यूड राइस डू नॉट गिव ब्लू कलर टू आयोडीन टेस्ट, और नेम एनी टू टाइप्स टीथ एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन. आगे एक सरल लोलक का चित्र बताइए, गतिमन लोलक किस प्रकार की गति को दर्शाता है, समय की मूल इकाई क्या है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम विच काइंड ऑफ मोशन इज शोन बाय अ मूविंग पेंडुलम, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम.
आगे प्राचीन काल में प्रयुक्त होने वाले दो समय मापने वाले यंत्रों के नाम लिखिए। नेम टू टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज्ड इन एंशियंट टाइम और चाल मापी यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्या ये कथन सही है और कैसे? स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और एंड हाउ? आगे है उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जो पौधों को स्वपोषी प्रकृति का बनाती है। डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट मेक्स प्लांट ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। आमाशय पेट में भोजन का क्या होता है? तीन बिंदु अथवा मानव पाचन तंत्र में दीर्घ रोम कहाँ उपस्थित होते हैं और इनका क्या कार्य होता है? व्हाट हैपन टू द फूड इन द स्टमक? थ्री पॉइंट और वेयर इज विली लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? टेंथ कार ए एंड बी क्रमश 45 किलोमीटर पर आर और 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। इनमें कौन सी कार तेज गति और कितनी? कार ए एंड बी आर मूविंग विद 45 किलोमीटर पर आर एंड 15 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। विच कार इज मूविंग फास्टर एंड बाई हाउ मच? एक सरल लोलक 42 सेकेंड में 20 दोलन पूरा करता है। आवर्तकाल किसी कहते हैं? उपरोक्त लोलक के आवर्तकाल की गणना कीजिए। बी यदि उपरोक्त लोलक में गोलक की प्रारंभिक स्थिति को थोड़ा बदल दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 42 सेकंड्स। व्हाट इज द टाइम पीरियड? कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बर्ब इज स्लाइटली चेंज्ड? सेक्शन सी हरे और कोमल तनों वाले पौधे आमतौर पर घास के मैदान में देखे जाते हैं। वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी अनेक शाखाएं नहीं होती है। कुछ पौधों में तने के आधार के पास से ही शाखाएं विकसित होती है। इनका तना सख्त लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। वही कुछ पौधे बहुत लंबे कठोर और मोटे तने वाले होते हैं। इसमें शाखाएं तने के ऊपरी भाग में ज़मीन से बहुत ऊपर होती हैं। इसे ऐसे पौधे को वृक्ष कहा जाता है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉमनली सीन इन द ग्रास फील्ड। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। सम प्लांट्स हैव डिवेलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। फर्स्ट है हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सिक्स्थ आंसर है सी हर्ब्स। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। आगे पौधे जिनमें तने के आधार के पास से शाखाएं विकसित होती है। तना कठोर लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। यह किस में पाया जाता है? द प्लांट्स विच डिवेलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। दी स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक इज फाउंड इन। स्विच का आंसर है ए श्रब। आगे है कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन जमीन पर फैले हुए होते हैं वह कहलाते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड। स्विच का आंसर है डी क्रीपर्स यानी विसर्पी लता। आगे है 13th। यहाँ पर ये आपको पैरा दिया गया। आप वीडियो पास करके पैरे को देख सकते हैं। हम चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ। सो फर्स्ट है निम्नलिखित में कौन पोषक तत्व नहीं है? स्विच का आंसर है डी डाइट्री फाइबर। आगे सेकंड शरीर वर्धक भोजन है? स्विच का आंसर है डी बोथ ए एंड सी यानी द बॉडी बिल्डिंग फूड इज बोथ ए एंड सी। जो क्या क्या है? प्रोटीन और फिश। थर्ड नींबू समृद्ध होता है। लेमन इज रिच इन। स्विच का आंसर है डी विटामिन सी। आगे है 14th क्वेश्चन। दिए गए मानव पाचन तंत्र के आरोख में ए बी सी और डी में से किन्हीं तीन भागों को पहचानिए और पाचन तंत्र में उनकी भूमिका भी लिखिए। आइडेंटिफाई एनी थ्री पार्ट्स फ्रॉम ए बी सी एंड डी इन द गिवन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑल्सो राइट देयर रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे है 15th ए बी और सी तीन कारों के दूरी समय ग्राफ को प्रेक्षण के कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कौन सी कार तेज और कौन सी धीमी गति से चल रही है? बी लगभग किस समय पर कार बी और कार ए एक साथ होगी? कार बी ने कार ए को पीछे छोड़ने के समय तक कितनी दूरी तक
तय कर ली है। ऑब्जर्व द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ थ्री कार ए बी एंड सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच कार इज मूविंग फास्टर एंड विच इज स्लोअर। बी अप्रॉक्स एट विच टाइम एट वट टाइम कार बी क्रॉसिस कार ए। सी हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। और इसकी जगह पर हम कर सकते हैं, रमेश ने पिकनिक पर जाते हुए बस में लगे चाल मापी यंत्र में अंकित आंकड़े को विभिन्न समय अंतराल पर नोट किया। कक्षा में आकर उसने उन आंकड़ों के आधार पर बस का दूरी समय ग्राफ खींचा जिन्हें दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। सो यह आप देख सकते हैं। उपरोक्त का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समय दूरी ग्राफ के एक्स और वाई अक्ष पर कौन सी राशि निर्दर्शित की जाती है। बी इस बस की चाल प्रकलित कीजिए। सी चाल मापी यंत्र को की उपयोगिता क्या है। सो रमेश वाइल गोइंग ऑन अ पिकनिक नोटेड डाउन द रीडिंग्स इन अ स्पीड मेजरिंग डिवाइस ऑन द बस एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। इन क्लास ही ड्रू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बस ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टेड डाटा ऑफ द बस। दीज आर शोन बिलो इन द अबव डायग्राम। सो स्टडी द अबव डाटा एंड ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ स्पीडोमीटर। सो आज की वीडियो को इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।